चुनाव 2024 को लेकर क्या तस्वीर है, मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज उदयपुर लोकसभा जो सीट है यहाँ पर किसके ताज किसके सर पर सहरा बनता है ये आज तय होगा और इसको लेकर आधे घंटे बाद यहाँ पर लगभग काउंटिंग शुरू होगी। 8 बजे यहाँ पे काउंटिंग शुरू होने का समय है और उसके बाद 9 बजे तक पहला रुझान भी सामने आ जाएगा। उदयपुर की अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 166 राउंड में जो काउंटिंग होनी है और उसके बाद यहाँ पर 166 राउंड जैसे ही पूरे होंगे और उसके बाद यहाँ पर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर ताजपोशी किसकी हुई है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में हम इस वक्त खड़े हैं जहां पर काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उन्होंने लगातार बैठकों का दौर करते हुए जो अधिकारी हैं जितने कर्मचारी हैं उन सबकी मीटिंग लिए, उन सबको ये दिशा निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की कोताही इस मामले में बरतने की जरूरत नहीं और यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। 3 से 4 चरणों में यहाँ पर चेकिंग होने के बाद सभी कार्मिकों को अंदर लिया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर करीब आधे घंटे बाद जो है वो काउंटिंग शुरू होगी। उदयपुर अगर सीट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आमने सामने हैं, उसमें मन्नालाल रावत जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये उदयपुर के आरटीओ अधिकारी रह चुके हैं और राजस्थान में उपायुक्त आरटीओ ये थे और उसके बाद वहां से इन्होंने वीआरएस लिया और उसके बाद उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस बार लोकसभा चुनाव में वो मैदान में है। वहीं अगर दूसरी ओर हम सामने वाले कैंडिडेट की बात करते हैं तो ताराचंद मीणा जो कांग्रेस के यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो उदयपुर के पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर रहते हुए उदयपुर के आसपास के एरियों को, उदयपुर लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है यहाँ के एरियों को अच्छे से समझने की कोशिश की और उसके बाद इस बार जो वीआरएस लेकर वो भी कांग्रेस से टिकट लेकर उदयपुर से मैदान में है। ऐसे में 2 ब्यूरोक्रेट्स का उदयपुर में सामने सामने मुकाबला है और देखना होगा कि इसके बाद एक भारतीय आदिवासी पार्टी जो है वो भी यहाँ पर तीसरे मोर्चे के रूप में सामने है। उसके अंदर प्रकाश चंद्र जो है वो उसके कैंडिडेट हैं और वो भी यहाँ पर मैदान में है। ऐसे में अगर सीधा मुकाबला देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 2 ब्यूरोक्रेट्स और दूसरी ओर भारतीय आदिवासी पार्टी जो कि उदयपुर और आसपास के आदिवासी इलाकों में काफी पकड़ रखती है। ऐसे में यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि अब जो रुझान है, जो परिणाम है वो किस दिशा में आते हैं। लेकिन हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मोदी के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त भी नजर आ रही है। जी अभिषेक, बात अगर रुझानों की करें तो कब से रुझान आने शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए काउंटिंग करीब आधे घंटे में शुरू होगी और 8 बजे से अगर काउंटिंग शुरू होती है तो 9 बजे तक पहला रुझान यहाँ पर आ जाएगा। और उदयपुर की सीट की हम बात करते हैं तो 166 राउंड मैंने आपको बताया कि 166 राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होनी है और उसके बाद जैसे जैसे परिणाम आते रहेंगे वैसे वैसे अपडेट इंडिया न्यूज की तरफ से भी मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, लगातार ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की गई हैं वो साफ जाहिर करती हैं कि विपक्ष की ओर से इस बार ईवीएम को लेकर कोई सवाल या निशान न खड़ा होने पाए, उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बावजूद इसके सवाल कई तरह के ईवीएम पर खड़े होते हैं, तो क्या लगता है क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए ये स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। जिस तरह से काउंटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में अलग अलग एरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा एग्जिट पोल पर सवाल उठाया था और कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये तमाम बातें कही है कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को मैनिपुलेट करके पेश कर रही है और एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कराए गए हैं ताकि कांग्रेस का जो मनोबल है वो टूटे और कांग्रेस कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो जाए इस काउंटिंग से पहले। ये आरोप जब वो एग्जिट पोल पर लगा सकते हैं तो उसके बाद सीधी सी बात है कि जैसे ही यहाँ पर परिणाम आएंगे और अगर कांग्रेस के विपरीत आते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठने स्वाभाविक है, ईवीएम पर सवाल उठ सकते हैं क्योंकि जब हार होनी है कांग्रेस की अगर होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ईवीएम पर जरूर सवाल उठा सकती है। जी। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि 2014 और 2019 के आंकड़ों की अगर बात करें 25 की 25 सीटें एग्जिट पोल में भी बीजेपी को दिखाई गई थी, राजस्थान की मैं बात कर रही हूं, और अगर 2024 के एग्जिट पोल की बात करें तो 20 सीटें इंडिया न्यूज दिखा रहा है बीजेपी को और बाकी 4 कांग्रेस को, 1 अन्य को। तो क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार कांग्रेस को 4 सीटें दिखाई जा रही है, फिर भी कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है कि अगर हार को स्वीकार करती है कांग्रेस और कांग्रेस ये मानती है कि हमारी कमी रही और हम इस वजह से हारे हैं तो सवाल ईवीएम पर नहीं खड़े होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस
अभी भी इसमें है कि हमने काम अच्छा किया और केंद्र में जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी एक अच्छे ऑप्शन के रूप में सबके सामने है। अगर इन तमाम बातों को मानती है तो ईवीएम पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है और सवाल उठ सकते हैं। लेकिन हम अगर पिछले चुनावों की बात करें और इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में भी सामने नहीं आ पाई है। ये कांग्रेस की स्थिति पिछले 5 सालों से थी जो कि सबके सामने है, और अगर मजबूत विपक्ष बन के कांग्रेस ठीक से काम नहीं कर पाई तो दूसरे विकल्प के रूप में, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और मोदी के चेहरे के सामने राहुल गांधी का चेहरा है, उसे लोग कितना अपनाते हैं ये देखने वाली बात है।